दोस्तों ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 और 22 जून 2024 के धनु राशिफल के बारे में। धनु राशि के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे होंगे, इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे, क्या योग बनेगा और ग्रह आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेंगे, जानेंगे आपके व्यापार व्यवसाय नौकरी शिक्षा स्वास्थ्य पारिवारिक जीवन प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन सभी के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। बात करें सबसे पहले 21 जून 2024 के बारे में, तो ज्येष्ठ माह का शुक्ल पक्ष का शुक्रवार का दिन होगा। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। चतुर्दशी तिथि सुबह 7:32 तक रहेगी, इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 6:18 तक होगा, फिर मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। शुभ योग शाम 6:42 तक होगा, इसके बाद शुक्ल योग शुरू हो जाएगा। सूर्यदेव मिथुन राशि में विराजमान होंगे, यानी आपके सातवें भाव में, और लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे, यानी आपके 12वें भाव में स्थित होंगे, 12वें भाव से 6ठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। राहु काल का समय सुबह 10:48 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहेगा। दोस्तों तीन शुभ योगों में 21 जून को वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और यह साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन शुक्रादित्य योग बुद्धादित्य योग और त्रिग्रही योग बनेगा। इन योगों के निर्माण के कारण वट पूर्णिमा के दिन पूजा करने से अखंड सौभाग्य के साथ ही निरोगी काया पारिवारिक शांति का शुभ फल प्राप्त होगा। पूर्णिमा पर लक्ष्मी नारायण व्रत करने का बहुत महत्व होता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी सांसारिक दुखों का नाश होता है, सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने व्रत और दान पुण्य करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान चंद्रमा से जुड़ी चीज़ों का दान करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। आप सफ़ेद वस्त्र शक्कर चावल दही या फिर चांदी का दान कर सकते हैं। इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव अपनी पूर्ण कला से युक्त होते हैं, जिसका प्रभाव सीधे व्यक्ति के मन और शरीर पर पड़ता है। इस दिन चंद्र पूजन से व्यक्ति की मानसिक और आर्थिक स्थिति ठीक होती है, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को द्रव्य और मन का कारक कहा गया है। तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखकर विधिवत विष्णु जी की पूजा करने और चंद्रमा को अर्घ देने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। यह तिथि माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय होती है, इसलिए इस दिन श्री हरि के साथ लक्ष्मी पूजन करने से दरिद्रता का नाश होता है। व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को करने से धन संपत्ति सुख वैभव में वृद्धि होती है और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो यहाँ चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, तो ऐसे में आप प्रोफेशनल कामों से भरे दिन की उम्मीद कर सकते हैं। ये पेशेवर और व्यवसायिक लोगों को अधिक व्यस्त रखेगा और ज्योतिष के अनुसार यह दिन सुखद घटनाओं के साथ भरा होगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रेरित होंगे, यह सब लाभदायक भी होगा। आप इस तरह के एक बिजी दिन के बाद भी अपनी सभी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने में सक्षम होंगे। यहाँ तक कि जब दिन अपनी समाप्ति की ओर होगा तब भी आपके पास अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताने के लिए समय होगा। शुभ रंग गहरा लाल होगा और भाग्यशाली अंक 8 होगा और शाम को 5 से 6 के बीच का समय आपके लिए लक्की साबित होगा। आज अपने आत्मविश्वास से अपने काम के रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों को आप आसानी से पार करने में सक्षम होंगे। आपको सिर्फ अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना होगा। सही योजना सही समय पर सही निर्णय लेने से आपको सफलता आसानी से मिलेगी। यह समय आपके लिए अपने दिमाग के बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से प्रयोग करने का है, ताकि व्यवसाय के नए अवसर तलाश किए जा सकें। इस समय आर्थिक सफलता के लिए कुछ गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। यह बात दिमाग में रखें कि कठिन परिश्रम ही व्यवसाय की सफलता की कुंजी है।
इस समय आप कुछ भाग्यशाली अवसर प्राप्त कर सकते हैं, परंतु कार्य के प्रति आपकी वचनबद्धता ही आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाएगी। तो ऐसे में अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। बात करें 22 जून 2024 की, तो ज्येष्ठ माह का शुक्ल पक्ष का शनिवार का दिन होगा। पूर्णिमा तिथि सुबह 6:37 तक रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र शाम 5:54 तक होगा। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। शुक्ल योग शाम 4:45 तक होगा। फिर ब्रह्म योग शुरू हो जाएगा। सूर्यदेव मिथुन राशि में विराजमान होंगे, यानी आपके सातवें घर में होंगे और पहले घर पर दृष्टि डालेंगे। चंद्रदेव आपकी ही राशि में विराजमान होंगे, लग्न भाव में, और लग्न भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। राहु काल का समय सुबह 9:07 से सुबह 10:18 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:55 तक होगा। तो यहाँ चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान होगा। तो ऐसे में धैर्य रखें, क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। आज आपको अपने उन रिश्तेदारों को पैसा उधार देने से बचना होगा जिन्होंने आपका पिछला उधार अभी तक नहीं दिया है। पारिवारिक परेशानियों को हल करने में आपका बच्चों जैसा मासूम बर्ताव अहम किरदार अदा करेगा। बाहरी चीज़ों का अब कोई खास मायने आपके लिए नहीं बचा है, क्योंकि आप खुद को हमेशा प्यार की खुमारी में महसूस करेंगे। सहकर्मियों और वरिष्ठों से मिला सहयोग आपके उत्साह में वृद्धि करेगा। खाली समय में आप कोई खेल आज के दिन खेल सकते हैं, लेकिन इस दौरान किसी तरह की दुर्घटना होने की संभावना है, इसलिए संभल कर खेलना होगा। आज आप महसूस करेंगे कि शादी का बंधन वाकई स्वर्ग में बनाया जाता है। तो यहाँ चंद्रमा आपके पहले घर में है और पहला घर मंगल और सूर्य के प्रभाव के अंतर्गत आता है, और मंगल यहाँ आपके पंचम भाव में है और सूर्य आपके सप्तम भाव में है। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव में यहाँ चंद्रमा प्रभाव देगा, क्योंकि आपस में मित्र हैं। तो ऐसे में चंद्रमा को यहाँ सूर्य और मंगल पूरा सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे में आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, घर में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, धन धान्य में वृद्धि होगी, सरकार से सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। यदि आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। व्यवसाय में अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपसी संबंध मजबूत होंगे, प्रेम संबंध जी रहे लोगों के लिए भी समय काफ़ी अनुकूल होगा, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ दस्तक देंगी। यानी ये दो दिन आपके लिए अच्छी सफलता दिलाने वाले होंगे, सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।